मस्त चीज है, लड़की है तो जरूर देखना। तुम मेरा दूसरा पार्सल का है भाई, पैसे लगे मेरे 4 किलो का होगा ये। हम पे हाथ उठाया जा रहा है। हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज मेरा ब्लॉग ऑफिस से शुरू हो रहा है क्योंकि मैं सुबह सुबह घर से आई हूँ। मैंने सोचा था कि अर्ली मॉर्निंग में ही शुरू कर दूंगी मैं ब्लॉग, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जल्दी जल्दी निकलना था। 6 बजे से मैं घर से निकली हूँ और अभी पहुंची हूँ, मतलब अभी कोई 10:30 हो रहे हैं। और नवरात्रि का पहला दिन है तो बहुत सारे लोगों का फास्ट भी होता है, मैंने भी रखा हुआ है। खाने पीने वाला सामान, नवरात्रि का जो खाने पीने वाला थोड़ा सा है सामान, वो मेरी मम्मी ने मुझे डाल के दे दिया। तो करते हैं इस दिन की शुरुआत। जय माता दी। टिफिन पैक हो चुका है मेरा, सुबह सुबह 6 बजे मेरी मम्मी ने उठ के किया था। तो चलिए यार, सबसे पहले मैं आपको अपना टेबल दिखा देती हूँ। ये मेरे को फोटो मिली है स्कूल से और ये किसी ने मुझे बना के दिया था, प्रिंट मैंने खुद निकाला है। और ये स्कूल में गए थे हम एक बार, वहाँ पे बच्चों ने दिया था। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है लव, फेथ एंड पेशेंस, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। और ये है मेरी रूममेट ने मुझे बना के दिया था, उल्टा नाम जेन जी, यू नो, जो वंदिता ने मुझे दिया था ऑफिस से जाते टाइम। एंड ये मैंने खुद बनाया है और ये भी मैंने खुद बनाया है, ऐसे ही फ्रेम्स वो निकाल के, फोटो निकाल के। और ये मैंने खुद बनाया हुआ है छोटे छोटे वो फोटोज निकाल के, ये कंपनी की तरफ से आता है हैप्पी बर्थडे कार्ड। तो कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा टेबल, कमेंट में जरूर बताना जी। अब टिफिन की अनबॉक्सिंग कर देते हैं, क्या क्या डाल के दिया है इसमें। तो दही है, ये आलू है और ये तो मुझे पता है पकौड़े थे। और ये इतनी बड़ी मिर्ची मैंने खाने के लिए नहीं डाली हुई है। आज हॉस्टल में जाकर प्री कुकिंग करनी है ना, रात को कुछ खाना है तो उसके लिए लाई थी क्योंकि हॉस्टल में हमें ग्रीन मिर्ची नहीं मिलती। और अभी भी मुझे याद आया कि मेरे बहुत सारे पार्सल आए हैं, तो देखते हैं। पहला पार्सल तो यहीं पड़ा था, यहीं पड़ा होगा। एक दूसरा वाला भी दिखा यार, यही होना चाहिए था वैसे तो। किसके ड्रॉअर में होगा, इधर तो हो ही नहीं सकता। ढूंढते हैं, कोई आएगा तो उसको पूछती हूँ। मेरा दूसरा पार्सल का है भाई, पैसे लगे मेरे। घर जाकर ना मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने बिग बिलियन सेल से क्या क्या खरीदा है। बहुत कुछ खरीदा है, मस्त मस्त चीजें। लड़की है तो जरूर देखना। चलो जी, खा लिया मैंने खाना, अब ये वाला पैक कर देते हैं क्योंकि दोपहर को भी खाएंगे। सो यार, ये व्लॉग ना मैं फर्स्ट नवरात्रि को बना रही हूँ, मतलब पहले दिन। अगर ये व्लॉग मैंने लेट चढ़ाया, बहुत ज्यादा लेट चढ़ाया, तो आप सारे ना मुझे कुछ कुछ बोलना, ज्यादा कुछ मत बोल देना, मतलब डांटना मुझे, ठीक है, कि इतना लेट, इतनी आलसी क्यों हूँ मैं, सारे बोलना। लेकिन मुझे अगर मैंने लेट चढ़ाया तो, मतलब नवरात्रि खत्म होने के बाद चढ़ाया तो, ठीक है। तो अगर आपको वाइट जूते लेने हैं तो फिर उनको धो मत, अगर आपको धोने हैं तो फिर उनको पहनो मत, क्योंकि मैंने आज ही धुले हुए पहने थे। यानी हालत देखो इसकी। सो गाइस, ये है मेरा सेकंड पार्सल जो मैंने बिग बिलियन सेल से खरीदा है और घर पे जाके इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी। सो गाइस, पहुंच चुकी हूँ मैं रूम में अब ऑफिस से आके। एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे पार्सल जो है वो मेरे पास आ चुके हैं ये, और इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है मेरे रूममेट ने। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सो पहली ये जैकेट है, जो कि पीछे से ये डिजाइन मुझे इसका काफी ज्यादा पसंद आया था, और ये मैंने ऑर्डर करी है फ्लिपकार्ट से। एंड इसके बीच ना हमें पॉकेट भी मिल जाते हैं यहाँ पे, जो शायद मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं ये वाले। और इसकी लेंथ बाजू भी देखो, अपने से मैंने ये मीडियम मंगवाया था और मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबा होगा, ये मीडियम ही मुझे स्मॉल लग रहा है। बट एक चीज़ है कि इसकी लेंथ जो है ना, ये बाजू की लेंथ ऐसे लंबी लंबी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे, मैं खुश हूँ इसकी क्वालिटी से। एंड ये मुझे पड़ा था मिंत्रा से 731 का, अब इसका प्राइस मतलब 1500 कुछ है। एंड दूसरा मैंने ये मंगवाया था मिंत्रा से, और ये मैंने हुडी मंगवाई थी, ये था स्मॉल साइज, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये मुझे मीडियम लग रहा है। और इसकी स्लीव्स जो है ना, इतनी क्यूट है यार, कहाँ गई इसकी पफ स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही हैं। अगर मैं इसकी मटेरियल की बात करूँ तो आप इसको सर्दियों में बिल्कुल नहीं पहन सकते हो। सर्दियाँ आने से पहले का जो मौसम होता है ना, जिसमें जैकेट लगती है, नहीं भी लगती है, वैसे वैसे मौसम में इसको पहन सकते हो। एंड ये मुझे पड़ा था 431 का, ब्रांड इसका रोस्टर है। और अब इसका प्राइस अब मुझे नहीं पता, मैंने बिग बिलियन सेल में ये लिया था। एंड थर्ड मेरे पास जो है वो ये है फ्लिपकार्ट का, मैंने अभी तक इसका अनबॉक्सिंग नहीं की है, तो चलो खोलते हैं, देखते हैं क्या। ये मैंने पफर जैकेट मंगवाई थी, जिसको मैं लेने के लिए काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी, पर वो मुझे मिल नहीं रही थी, जिस ब्रांड की मुझे चाहिए थी वो सारी जगह आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। फिर मैंने एक जगह मिली, मैंने किसी ब्रांड की उठा ली, मैंने कहा सेम ही है, उठा लेते हैं, देखते हैं कैसी आई है। ये जैकेट क्रॉप होनी चाहिए यार, ठीक
मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या रिएक्शन दूँ, अच्छा दूँ कि बुरा दूँ, क्योंकि मुझे ओके ओके लग रही है। एक्चुअल प्राइस देखो गाइस इसका 3399 है और मुझे मिली है ये फ्लिपकार्ट से 621। मुझे ऐसा ही चाहिए था क्योंकि ये नीचे से ऐसे टाइट हो ना तो अच्छा लगता है, और इसकी स्लीव्स भी मुझे आगे से ऐसी ही चाहिए थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लीव्स शायद इसकी छोटी सी हो। और ये क्या इलास्टिक नहीं है ये, पर मुझे क्या, मेरी तो बाजू पतली है और पर मुझे ये छोटा सा लग रहा है, टाइट सी लग रही है, या तो मैं मोटी हो गई हूँ। यहाँ से मुझे ना ऐसे बड़ी टाइट खिंच सी बज रही है। ट्राई करते हैं गाइस, बेशक मेरा पहनने का मन नहीं कर रहा है इतनी गर्मी में। ओह ये तो क्रॉप जैकेट्स होती है ऐसी है, या फिर मुझे टाइट लग रही है भाई, मुझे बहुत टाइट लग रही है ये। इसमें मोटे कपड़ों में तो मैं इसको पहन ही नहीं पाऊंगी, मुझे लगता है मुझे इसका मीडियम साइज मंगवाना पड़ेगा। इसका कैप नहीं, कैपू है, कैपू फंस गई हूँ मैं बिल्कुल इसमें। खोलती हूँ फटाफट से इसको। बाकी क्वालिटी 631 रुपये है, तो सोच लो फिर तुम कैसी क्वालिटी होगी, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं है। ये चीज़ जो है वो लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज ये है एक मेंस्ट्रुअल कप। प्रमोशन बिल्कुल नहीं है ब्रांड की, लेकिन लड़कियों अगर आपको चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो और पूछ सकते हो कि किस ब्रांड का है, कौन सा साइज़ है। एंड DM करने के लिए मैं अपनी ID मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर मुझे पूछ सकते हो बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने अभी राधिका को बताया, राधिका मेरी रूममेट, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, मैंने उसको बताया कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो बोलती खरी पली जिंदगी जी रही, हिंदी में बोलती हूँ, बोलती अच्छी भली जिंदगी जी रही होती हूँ, फिर तुम शुरू कर देती हो व्लॉग बनाना, फिर मुझे तहजीब से रहना पड़ता है। और अभी हम जा रहे हैं मेस में खाना बनाने, खाना नहीं मतलब व्रत वाला बनाने, तो लेट्स गो गाइस, देखते हैं मेस में क्या क्या सामान लेकर आए हैं आज हमारे लिए। एंड ये बॉटल्स भरने के लिए मैंने ले ली हुई है राधिका और मेरी, लेट्स गो गाइस। भाई खाना तो यहाँ बन रहा है, लेकिन राधिका कहाँ गई है, वो मुझे दिख नहीं रही है कहीं पे भी, यहाँ कहीं मुझे अकेला छोड़ के चली तो नहीं गई। आप मेस में हम पे हाथ उठाती हो? मेस में हम पे हाथ उठाया जा रहा है गाइस, हम पे हाथ उठाया जा रहा है, इंसाफ होना चाहिए इस चीज का, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा हमको। सामान लेकर आ चुके हैं हम, क्या क्या सामान लाए हो भैया, भाया क्या क्या सामान, ये तेल, ये क्या है, ब्लैक सॉल्ट है, मुझे लगा रॉक सॉल्ट होगा, जीरा, काला नमक, खुश। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू व्रत वाले सामान की तैयारी। आलू नहीं धो रही है, मैं ये दिखा रही हूँ, ये आलू नहीं, ये बट्टा है, बट्टा राधिका तेरे सर पे मार, कसम से देखना 4 किलो का होगा ये, दिस इज अ बट्टा। एक जिन बोलू ब्लॉगर्स की जिंदगी ना कोई ज्यादा सुख वाली नहीं होती, क्योंकि उनको हर एक मोमेंट कैप्चर करना पड़ता है, उनका अपनी सुख शांति भंग करनी पड़ती है। एंड राधिका ने यहाँ पे एक वो किया है, कपट किया है लड़कियों के साथ, व्रत रख के तूने कपट किया। गाइज ये है हमारी मेस, डोंट जज। और ये था हमारा चाकू जो मेस में इस लड़की ने रख दिया था, लेकिन इसने माना नहीं था। चॉपिंग स्किल्स डाल सकती यार, लोग बोलेंगे सारा काम तेरी रूममेट कर रही है, तू क्या कर रही है, व्लॉग बना रही हूँ। आप ये सब देख के ये मत समझना कि सिर्फ सारा काम मेरी रूममेट करती है, नहीं दोस्तों मैं भी काम करती हूँ, है ना राधिका जो सुना आपने। भैया ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, भैया क्या बोला आपने अभी, आप सभी का नाम भूल सकता हूँ, खाली आपका नाम नहीं भूल सकता हूँ, मेरा और किसका, आप इनमें से इतने हो। मेरा और किसका, सपना और किसका नहीं भूल सकते हो। हाँ मेरे चर्चे सिर्फ इंस्टा और यूट्यूब पे नहीं है, क्या बताऊँ, देखा मानते हो ना। सो मैस वालों ने दही नहीं लाया था, दही के पैसे लेकर जा रही हूँ मैं। इधर से इसको वो करना है, जल तो नहीं जाऊंगी, ये जल ही नहीं रहा, जल गया, ये आ गया जी दही, इसको लगा रही हूँ मैं फ्रिज में, मैस के फ्रिज ऐसे ही होते हैं गाइस, ठीक है। कैसे
अबे मैं करूं मैं कर दूं जो तुझे दिखाया करा बोला ना करने को तू वो कर। सो गाइस यहां पे हमने पकोड़े पका दिए हैं सब के सब और वहां पे भी एंड ये है यहां पे गांव अभी बसा नहीं है लेकिन मांगने वाले पहले आ गए बनाने वाले मैं ही हूं। हां राधिका ने थोड़ा सा बनाया था कैसी ले शर्म बाकी सारा मैंने खुद बनाया चलो चलो। सो गाइस यहां पे हमारे दो प्रकार के दही बन चुके हैं ये वाला सूल वाला है और ये पुदीना वाला एंड ये सब रेडी हो चुका है। इतना फेक करना पड़ता है। ओह माय गॉड अपने झूठे उससे दे रही है इतना प्यार